हेलो जी, वेलकम टू आकांक्षा शर्मा व्लॉग्स। एंड राइट नाउ आई एम मैचिंग माय वॉल कलर। भैया कौन सी कलर? ये टी शर्ट कलर। खैर, अभी फिलहाल मुझे याद आया मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो थी पतले होने की प्रतिज्ञा, और वो मैं लेकर ना भूल गई थी। मतलब ऐसे होता है ना, मतलब लेकिन अब मैं करके रहूंगी। आपको क्या लगता है कि मैं एक महीने में कितने केजी लूज कर सकती हूँ? एंड आप में से कोई अगर साथ में चैलेंज लेना चाहते हैं पतले होने का, तो प्लीज गो फॉर इट। बी हेल्दी, वैसे बी फिट। वैसे एक बात कहूँ, जब मैं चबी चबी हो जाती हूँ ना, जो मेरे फेस पे ग्लो होता है ना, वो बाद में नहीं होता, बट ठीक है। अच्छा बहाना है। बाय द वे, ये खत्म हो रहा है, ये अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने आम खाया था। पैदा हो रही हमारे घर पे, देखो देखो देखो, मम्मी ने डिलीवरी कराई। अरे बाप रे, मम्मी हमारे घर में एक खुशखबरी हुई है, और बस अभी अभी हमने हमने एक छिपकली का बच्चा पैदा होता हुआ देखा, उसे हमने हमारी बालकनी में रख दिया है। बहुत ही अलग था, माय गॉड। डिलीवरी रूम आप ये देख सकते हैं, ये है, ये छिपकली डिलीवरी रूम है। ये हमारी नर्स है, मैं वार्ड बॉय थी, मम्मी हमारी डॉक्टर थी, वो सर्जन थी। माय गॉड, घड़ी एक्चुअली डिलीवरी रूम है। क्या है दीदी पीछे? छिपकली, छोटी छोटी बेबी छिपकली है। ये कूड़ा था, कूड़ा है। छिपकली ने छिपकली के शेप का कूड़ा भी तो किया। अरे ये प्लासेंटा है, ये अम्बेलिकल कॉर्ड है, इसके सेल ही नहीं, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये वैसी घड़ियां हैं जिनमें फिर पीछे से भूत निकलते हैं, अगर ये लंबी फॉर्म में होती ना। और इस पे 3 बज रहे हैं। टाइम, डिलीवरी टाइम। अच्छा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो उनका? डॉक्टर्स डे भी है आज, डॉक्टर्स डे भी है, और आज मम्मी ने ये डिलीवरी ली है, मम्मी के ही हाथों से ये सर्जरी हुई है। मम्मी ने नेचुरल बर्थ करवाया है। नेचुरल वो खुद ही पैदा हुई, हमने तो क्या कराया, मम्मी आप ही। बाकी हाँ, हमने नेचुरल बर्थ होती हुई आज पहली बार देखा। क्या? अच्छा, मम्मी कह रही है नाउ बैक टू वर्क, ये जो उतारी है फटाफट वापस लगाओ। अभी सैनिटाइजेशन चल रही है गाइस, अगली डिलीवरी के लिए हमें ये डिलीवरी रूम रेडी करना है। अली छोना बेबी, इतना जल्दी जल्दी चलने लग गया, रेंगने लग गया, कहाँ चल रहा है? अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ। ओ मम्मा, इसके तो पैर पे अभी भी इनके शायद अंदर जाले होते हैं। ये डे वन, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा वॉकिंग करी है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़े निकम्मेपन में एक्सरसाइज की, पर की। और अभी मुझे छोटी छोटी भूख लग रही है, छोटी छोटी भूख। तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं ब्रेड उपमा खाऊं। आपने कभी ब्रेड उपमा खाया है? मतलब ब्रेड उपमा इज मतलब टू गुड। एंड आपको आपको तो पता ही है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, हमारे घर में खुशखबरी आई, हमारे घर में अंडे थे, अंडे एक नहीं दो नहीं तीन छिपकली के अंडे। गॉड, मम्मी ने एक अंडे की डिलीवरी कराई है, वो कायदा निकली है वो छिपकली उसमें से। तो पैसे कौन देगा डिलीवरी के? मम्मी ने फ्री में कर दी। वी बिलीव इन चैरिटी। कोई दिक्कत नहीं, आपको उनके नामकरण में जरूर लाएंगे हम। नहीं, मैंने कर दिया, आई थिंक चिंटू या बिट्टू या समथिंग लाइक दैट। गॉड, वेरी हेल्दी बेबी। चलो उपमा बनाते हैं। अभी हवा आ रही थी तो इसीलिए शॉट लेना था। हवा आ, ये देखो बारिश का मौसम हो रहा है, चाय बन रही है,
लोग यूजुअली पकौड़े तलते हैं, माने उन लोगों में से मैं भी थी, एक वीडियो आई है जिसमें मैंने पकौड़े तले हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड वाला उपमा, जैसा मैंने आपको बोला था। देखो सिर्फ मेरा मन है, बाकी सबका सिर्फ चाय से पेट भर जाएगा, बट कुछ नई चीज मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। इसमें ना देखिए पानी एकदम सही मात्रा में, ध्यान आपकी वजह से हुआ ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, चाय पी लीजिए गरम गरम। देखो इलायची वाली है, वीडियो बना रहे हूँ भाई। मोर के बाद अगर कोई बारिश आने पे खुश होता है, चहकता है, वो है हमारी मम्मी जी। आपने कभी नोटिस किया है जब ऐसा लगता है चाय की शक्ल देख के कि आज बहुत अच्छी बनी है, उसी दिन ना कम पड़ जाती है, मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी। मम्मी ने और छोटा कर लिया। ब्रेड रेडी, मसाला रेडी, काले में डलने वाला पानी थोड़ा गर्म कर रहे हैं। अच्छा दूर, इससे पहले नहीं बना था, पानी भी पकता है। मम्मी देख रही है कि इतनी ब्रेड में कितना पानी डालना चाहिए, ये अनुमान सही होना चाहिए। होई 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 होई। इतना पसीना तो मम्मी एक्सरसाइज करने के बाद नहीं आता। मम्मी ने कर दी है गैस ऑफ, अभी मम्मी इसको मिक्स कर रही है। इसको हमने जल्दी से अलग निकाल लिया ताकि ये ज्यादा सही आ जाए। मम्मी आगे किचन में कहता है मैं खाने लायक बना के रहूंगी। पिछली बार मैंने ये ब्रेड का उपमा बनाया था, वो ब्रेड का उपमा कहलाने लायक नहीं था। मम्मी इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद सूरज देवता एंड इंद्र देवता एट द सेम टाइम। क्या कह रहे हो मम्मा? मैं ये कह रही कि इंद्र देवता चाय पीनी हो, ब्रेड का उपमा खाना तो आ जाएगा। सूरज देवता हाथ जोड़ रहे हैं, बड़ा दुखी हो गए। सूरज चाचा तुमने बहुत दुखी कह, अंदर जाओ तुम। मम्मी चंदा मामा सही है, थोड़ी वो देते ना ठंडक थोड़ा। बिल्कुल मम्मी, मम्मी बिल्कुल मोर की तरह चहक गई थी। मम्मी का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। माय गॉड, मम्मी ने कहा बारिश आ रही, चुप 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 हो जाओ, आने दो, नजर मत लगाओ मेरी बारिश को, रोक मत लगाओ। इतनी मुश्किल से तो आई है, आपको पता है मुझे तो कैसे स्वागत करते हैं मेहमान का, हम ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं उनका। बिल्कुल मम्मा, देखो आज हमने एक नए मेहमान का भी स्वागत किया, छिपकली के बच्चे का, आज बारिश का भी स्वागत कर रहे हैं। आज तो बहुत स्वागत कर देखिए आगे और कितना कितना, बाकी आप लोगों का तो स्वागत हमेशा है। चलो जी, अब गरम गरम खाना भी होता है उपमा। अब मेरी पेट पूजा हो चुकी है, अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी तो मजा आया, बट नाउ इट्स टाइम टू वर्क। जी हाँ, इस बारिश के मजे हम और ज्यादा नहीं लूट सकते। लेट्स डू रिकॉर्डिंग। अभी मुझे पता नहीं कि मैं एग्जैक्टली कब छूटूंगी, मतलब एक्चुअली दिस इज ऑल्सो लाइक स्कूल। मेरी छुट्टी कब होगी वो मुझे तब पता चलेगा जब मेरा वो जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होगा। एंड जितना अच्छा आप काम करते हो उतना लंबा आपको कैरेक्टर मिलता है, लेकिन जब आपको खुद वो डब करना पड़ जाता है तब आपको नानी याद आती है। वैसे मैं अपनी नानी से उतना मिली नहीं थी और याद बहुत आ रही है मुझे। तो आप अपना ध्यान रखना, एंड अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट करके जाओ व्हाट वॉज द बेस्ट मोमेंट। मेरा बेस्ट मोमेंट था जब मैंने लिटरली उस छिपकली के बच्चे को पैदा होते हुए देखा। यार टू रियल।